पतलू एक अनपढ़ गवार था। उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। उसको जो कुछ भी आता था तो गांव में घूमना और दोस्तों के साथ गप्पे मारना। उसके पापा तभी उसको शादी करने के लिए सोचते हैं। उसी गांव में से एक सुंदर की लड़की को देखकर उसकी शादी कर देते हैं। तभी उसकी बीवी ऐसी बोलती है, कितने दिन ऐसे बिना काम के घूमोगे, जाओ जाकर कुछ काम ढूंढो, तभी तुमको इस घर में तुम्हारे माँ बाप के सामने कुछ इज्जत रहेगी। ठीक है प्यारी, मैं अभी शहर जाकर कुछ ना कुछ काम ढूंढूंगा। ऐसा बोलकर पतलू शहर चला गया। वहां पर थोड़े दिन के लिए कुछ काम किया, लेकिन पतलू को वहां पर अच्छा नहीं लगा। वह वापस गांव आने के लिए सोचता है। आते वक्त पतलू जंगल के रास्ते से आता है। थोड़े दूर आते ही उसको एक जानवर की रोने की आवाज सुनाई देती है। नजदीक जाकर देखा तो वहां पर एक ऊंट पड़ी हुई थी और वह रो रही थी। ऊंट को किसी ने तीर से मारकर घायल कर दिया था। अरे ओ ऊंटनी, किसने किया ये सब? कल एक शिकारी ने मुझे तीर से मारकर घायल कर दिया, लेकिन मैं उससे बचकर दौड़कर यहाँ आ गई। अब मैं नहीं भाग सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। अरे ओ ऊंटनी, तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तभी तुम चले जाना। ऐसा बोलकर पतलू एक बड़े से ठेला को लाकर उसमें ऊंटनी को लेट देता है, अपना गांव लेके आता है। बहुत दिनों तक पतलू उस ऊंटनी की देखभाल करता रहा। फिर उस ऊंटनी ने दो छोटे छोटे ऊंट के बच्चे को जन्म भी देती है। पतलू उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी ऊंट ने ऐसा बोली, पतलू तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं भी तुमको कुछ करना चाहता हूँ। मेरे दूध गांव में शहर में बहुत ही मशहूर हैं। मेरे दूध बेचने से ज्यादा पैसा भी मिलता है, क्यों न तुम मेरे दूध निकालकर कुछ पैसे कमाओ। पतलू और उसके बीवी को आइडिया बहुत अच्छी लगती है। अगले ही दिन से पति पत्नी दोनों मिलकर ऊंट का दूध निकालकर गांव में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी व्यापार बढ़ जाती है। शहर से भी उसको ऑर्डर आने लगते हैं। तभी उसकी बीवी और एक सलाह देती है, अजी सुनते हो, तुम शहर जाकर कुछ और ऊंट खरीद के लेके आओ, हम एक ऊंट की दूध का फार्म खोलेंगे। पतलू ठीक ऐसा ही करता है। शहर जाकर कुछ ऊंट खरीद कर लेके आता है और उसकी पत्नी एक बहुत अच्छी फार्म भी बना देती है। थोड़े ही दिन में पतलू का ऊंट का दूध गांव-गांव में शहर में बहुत ही मशहूर हो जाता है। ये सब देखकर पतलू ऊंट को धन्यवाद बोलता है। ऐसा एक ही साल में पतलू बिना काम वाले से एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। सीख, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाथी और चूहा। एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर रहा करते थे और बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी आ गया। वो बहुत ताकतवर था। जब वो चिल्लाता तो सभी जानवर छुप जाया करते और उसके चिल्लाते ही जंगल में भगदड़ मच जाया करती। सभी जानवरों का सुख चैन छिन चुका था। तभी एक हिरन और लोमड़ी आपस में एक दिन बात करने लगे। अरे ये बड़ा सा जीव कौन आया है, हमने तो अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया है, पता नहीं कब यहाँ से जाएगा। हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, वो इतना लंबा और ऊंचा है, जब वो चिल्लाता है मैं तो घबरा जाता हूँ। जंगल के सारे जानवर बाहर ना आने से हाथी भी बहुत परेशान हो गया था। वो तो उनसे दोस्ती करना चाहता था, प्यार से चिल्लाता था, लेकिन उसके साथ उल्टा हो जाया करता था। उसके चिल्लाने से सभी जानवर भाग जाया करते थे। रुक जाओ, मैं तुम सब जानवरों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, तुम लोग मुझे देखकर भाग क्यों जाते हो। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रात दिन यही सोचता था कि यह हो क्या रहा है। एक दिन उदास होकर वो उस जंगल को छोड़कर जा रहा था।
तभी वहाँ एक रास्ते में पेड़ उसे दिखा। उस पेड़ के नीचे पहुँचते ही उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। हाथी ने पास जाकर देखा तो चूहा पेड़ की टहनी में फंसा हुआ था। उस चूहे को देखकर हाथी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें अभी बचा लूंगा। हाथी को देखकर पहले तो चूहा घबरा गया, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड ऊपर करके चूहे को नीचे उतारा। नीचे आते ही चूहा हाथी के डर से भाग गया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये देखकर हाथी बहुत उदास हो गया। मैंने तो इसकी मदद की, मुझे लगा ये मेरा दोस्त बन जाएगा और जंगल के बाकी जानवर भी मुझसे दोस्ती करेंगे, पर लगता है मैं गलत था। अब हाथी को विश्वास हो गया था कि इस जंगल में उसका कोई दोस्त नहीं बचा है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही हाथी वहाँ से जाने लगा, तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो सारे जानवर उसके स्वागत के लिए गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, फूलों की मालाएं लेकर उसका स्वागत कर रहे थे। हाथी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी चूहे ने सामने आकर कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम बहुत अच्छे हो, आज से हम सब तुमसे दोस्ती करेंगे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और हाथी उन सब के साथ मिलकर खुशी खुशी नाचने लगा। अच्छी गाय का स्वच्छ दूध। एक शहर में किशोर नाम का एक आदमी रहा करता था। वह हाल ही में विलायत से इंडिया आ गया और कुछ अच्छा काम करने की सोच में पड़ गया। तभी उसने गाय का दूध बेचने का व्यापार शुरू करना चाहा। लेकिन उसी गांव में बहुत सारे गाय का दूध बेचने वाले थे। कुछ लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते थे और कुछ लोग गाय को इंजेक्शन की दवा देकर ज्यादा दूध निकालकर कलुषित और गंदा दूध बेचते थे। लेकिन किशोर उन सबसे अलग सोचकर सिर्फ स्वच्छ गाय का दूध बेचने की शपथ लेता है। एक दिन एक आदमी ने ऐसा बोला, अरे किशोर बाबू, आपका दूध तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ है, ऐसी दूध पिएंगे तो हम सब तंदुरुस्त रहेंगे, आपको ऐसा ही स्वच्छ दूध बेचना है, एक दिन बहुत फेमस हो जाओगे। धन्यवाद चाचा जी, मेरा भी यही विचार है। मैंने देखा कि इस गांव में लोग दूध में पानी मिलाकर कलुषित गंदा दूध बेच रहे हैं, इससे मुनाफा तो ज्यादा होगा लेकिन कोई फायदा नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा, लेकिन किशोर के यहाँ दूध स्वच्छ होने पर भी ज्यादा लोग दूध नहीं खरीद रहे थे। ये बात उसको समझ में नहीं आई। एक दिन उसके इलाके में सारी गाय को एक भयानक बीमारी फैल गई। सारा गाय बेहोश होकर गिर जाते थे या मर जाते थे। तभी डॉक्टर साहब आकर ऐसा बोला, अरे ओ भाई, आपके इलाके में गाय को इंजेक्शन ज्यादा देने की वजह से ये बीमारी आ गई है, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो सारा गाय मर जाएंगे, सोच लो। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। फिर किशोर सब दूध वाले को इकट्ठा करके ऐसा बोला, देखो भाई, डॉक्टर ने जो बोला आपने सुना ना, इस वक्त मेरे गाय को देखो, उनको कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मेरी बात मानो और अपने गाय को इंजेक्शन की दवा देना बंद करो और अच्छा दाना खिलाओ, खूब देखभाल करो, ऐसा करने से गाय तंदुरुस्त रहेंगे और हमें स्वच्छ दूध भी मिलता है और ज्यादा दूध भी मिल सकता है। ठीक है किशोर भाई, आप जैसा बोलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। तभी किशोर के मन में एक विचार आता है, सिद्ध फार्म करके स्वच्छ दूध बेचने वाला एक गाय का फार्म खोलने के लिए सोचता है। उसके बाद सिद्ध फार्म करके एक ब्रांड के नाम से कंपनी खोलकर दूध बेचना शुरू करता है। सिड्स फार्म का दूध सिर्फ स्वच्छ ही नहीं, इसमें हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स या प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं रहा करते थे। इसकी वजह से किशोर का सिड्स फार्म का दूध गांव में, शहर में और पूरे देश में बहुत ही मशहूर हो जाता है। तब से आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग भी
सिड्स फार्म का स्वच्छ दूध पीकर तंदुरुस्त रहने लगे। गर्भवती हिरन की दर्द। बहुत समय पहले की बात थी, एक घने जंगल में हिरन की एक झुंड रहा करता था। उस झुंड का नायक था हीरा, जो उस झुंड की देखभाल करता था। हीरा सबका संरक्षक था। वह सब हिरन को बोलता है कि कहां पर खाने के लिए जाएं और कहां नहीं। लेकिन एक दिन एक दुष्ट शिकारी उस सुंदर हिरन की झुंड को देख लेता है और सबको पकड़ने के लिए सोचता है। अरे ये कितना सुंदर हिरणों का झुंड है, अगर मैं इसका मांस शहर में जाकर बेचूंगा तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। उसी झुंड में हीरा का जोड़ी पन्ना भी थी। पन्ना एक खूबसूरत सुनहरे रंग में थी। उसकी त्वचा चमकती हुई थी। उसके सींग भी चांदी के रंग में थी। एक दिन पन्ना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। तभी सारे हिरण ये बात जाकर हीरा को बोलते हैं। आपको मुबारक हो नायक, आप अभी बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर हीरा बहुत खुश हो जाता है और पन्ना को अच्छी तरह देखभाल करने का आदेश देता है। लेकिन हीरा को पता नहीं था कि वह शिकारी उनकी झुंड पर हमला करने एक योजना के साथ आ रहा था। कुछ दिन के बाद शिकारी एक योजना बना के हिरण की झुंड पर हमला करने जंगल में आता है और चुपके मौके के लिए देखता है। जब सारे हिरण पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आते हैं, तभी अचानक शिकारी एक जाल डालता है। शिकारी को देख सारी हिरण भाग जाते हैं, लेकिन गर्भवती होने के कारण पन्ना भाग नहीं सकी और इस जाल में फंस जाती है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, शिकारी जी मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती भी हूँ, मेरे बच्चे की जन्म के बाद मैं ही आपके पास चला आऊंगा, मुझे छोड़ दो। ऐसा बोलकर पन्ना गिड़गिड़ाने लगी। उसको देख सारे हिरण परेशान हो जाते हैं और हीरा भी रोने लगता है। तुरंत उस शिकारी ने पन्ना को एक वैन में उठाकर चला जाता है, लेकिन हीरा को कुछ सूझा नहीं। तभी कुछ हिरण आकर ऐसे बोले, हीरा नायक क्या हम जाकर हाथी की मदद ले ले, हाथी जी हमारा बहुत अच्छे दोस्त है, वह जरूर हमारा मदद करेगा। हीरा जाकर सारी बात हाथी को बोलता है। तभी हाथी ऐसा बोलती है, अरे हीरा तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि वह शिकारी कहां रहता है, हम अभी निकलेंगे, चलो। ऐसा हाथी और हीरा तुरंत एक छोटी सी गांव जाते हैं। वहां पर एक घर के सामने एक वैन में पन्ना को देखते हैं। पन्ना शिकारी की वजह से बहुत डर गई थी। पन्ना को ठीक से खाना और पानी न मिलने के कारण वह बहुत ही उदास थी। तुरंत हाथी ने पन्ना को उस वैन की पिंजरे से रिहा करती है। ये देखकर जब शिकारी रोकने की कोशिश करता है तो हाथी उसके सूंड से एक लात मारती है और शिकारी नीचे गिर जाता है। हीरा और पन्ना हाथी को धन्यवाद बोल के वापस जंगल में चले जाते हैं और अपने झुंड से मिलकर खुशी खुशी से रहने लगे।